और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 6 बाइक्स के बारे में जो 2021 में लॉन्च होने वाली है। तो पहले नंबर पर आती है TVS रॉनिन। दोस्तों, हम इस बाइक को जैपलिन के नाम से जानते थे, लेकिन TVS इस बाइक को रॉनिन के नाम से लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, डिज़ाइन इस बाइक का एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन देखने में ये बाइक काफ़ी खूबसूरत लगती है। बाकी इसका फ्यूल टाइप पेट्रोल है, लेकिन ये एक हाइब्रिड इंजन है, तो अगर आपका फ्यूल ख़त्म भी हो जाता है तो थोड़ी दूर तक ये इलेक्ट्रिक के सहारे चल जाएगी। सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है और वहीं कॉर्नर पर आपको HDR कैमरा भी मिल जाएगा। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और LED इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे। सीट कंफर्ट भी इस बाइक का काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी छोटी सीट इसमें आपको मिलती है, तो आप दो लोग ही बैठकर राइड कर पाओगे। इंजन इसमें आपको मिलता है 220cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसका एक्सपेक्टेड पावर है 20 BHP और एक्सपेक्टेड टॉर्क है 16 Nm का। सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा, हालांकि अगर कॉस्ट कटिंग हुई तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिल सकता है, और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। बाकी आपकी सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS इस बाइक में लगाया गया है। बात करें प्राइस की, तो 1,50,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और जनवरी 2021 में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको कम प्राइस में एक हाइब्रिड बाइक मिल जाती है और इसमें आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। बाकी जो लोग इस बाइक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर करना। दूसरे नंबर पर आती है होंडा CB125R। दोस्तों, होंडा ने ऑफिशियली रिवील किया है कि वो 125cc सेगमेंट में एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक को लॉन्च करने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि वो होंडा CB125R को लॉन्च करेंगे, क्योंकि होंडा के पास यही एक स्पोर्ट्स बाइक है 125cc सेगमेंट में जो इंडियन मार्केट में खड़ी उतर सकती है। दोस्तों, लुक्स इस बाइक का काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब पहली नज़र में ही आपको ये बाइक पसंद आ जाएगी, और डेफिनेटली मुझे भी इस बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, जो कि इस सेगमेंट की बाइक में आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED मिलेंगे। दोस्तों, सीट कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक का सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, हालांकि सीट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आप दो लोग तो आराम से बैठ कर राइड कर सकते हो, और सीट की कुशनिंग और बिल्ड क्वालिटी भी बेस्ट इन सेगमेंट है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको LCD मिलता है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि गियर इंडिकेटर, स्पीडो मीटर, दो ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 124.9cc का सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसका मैक्स पावर है 14.7 BHP और मैक्स टॉर्क है 11.7 Nm का, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आती है तो उसमें आपको कुछ कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि पीछे आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिख रहा होगा, लेकिन जब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिलेगा। सामने आपको USD फोक सस्पेंशन दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, ब्रेकिंग की बात करें तो डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक यूरोपियन कंट्री में आती है, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको ये सिंगल चैनल ABS के साथ मिलेगी। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,20,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, तो पूरी उम्मीद है कि होंडा मार्च 2021 तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तीसरे नंबर पर आती है GPX डीमॉन GR200R। दोस्तों, इस बाइक को लेकर कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि भाई ये बाइक कब इंडियन मार्केट में आने वाली है। तो दोस्तों, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग मंथ्स में ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, इसके लुक्स की बात करें तो दोस्तों, इसका लुक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है, मतलब फुली फेयर्ड में आपको जैसा लुक्स मिलना चाहिए 200cc के सेगमेंट में, आपको इस बाइक में कूट कूट कर मिल जाता है। और लुक्स के मामले में तो ये बाइक R15 V3 और RC200 जैसी बाइक को आराम से पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, सामने आपको LED DRLs का सेटअप देखने को मिलता है, ऊपर आपको फेयरिंग में 2 LED DRLs मिल जाएंगे और 2 आपको नीचे मिल जाएंगे, और काफ़ी शार्प लुक आपको सामने से मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए ना, तो सामने का लुक थोड़ा बहुत R1 से इंस्पायर्ड है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED मिलेंगे, तो कह सकते हैं कि पूरी बाइक में आपको LED का सेटअप देखने को मिलेगा। दोस्तों, मीटर इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको मल्टी कलर्स के ऑप्शन
ऑप्शन मिल जाते हैं। और इस मीटर्स में आपको सारे बेसिक फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ये सारे बेसिक इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों कॉस्ट कटिंग की बात करें तो इस बाइक में आपको कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों लोगों को अब पता चल गया है कि पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, तो लोग फीचर्स की तरफ जाएंगे, तो पावर इतना मैटर उनके लिए नहीं करेगा। तो इसमें आपको USD फोक्स, एलुमिनियम स्विंग आर्म, जिससे बाइक की बिल्ड क्वालिटी और भी इन्हेंस हो जाती है, और डुअल चैनल ABS इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। सीट कंफर्ट की बात करें तो दोस्तों राइडर सीट कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। हालांकि पिलियन सीट भी बड़ी है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंजन की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 198.9 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI इंजन, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 19 bhp की और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 17 न्यूटन मीटर का। टायर्स की बात करें तो सामने आपको 100 सेक्शन 80 का टायर मिल जाएगा और पीछे आपको 140 सेक्शन 70 का टायर मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइस की तो 1,70,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि मेरे हिसाब से एक 2 cc की बाइक के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको GPX डीमॉन GR200R का लुक्स कैसा लगा। फोर्थ नंबर की अपकमिंग बाइक है कावासाकी W175। दोस्तों ये कावासाकी की तरफ से आने वाली सबसे छोटे सेगमेंट की बाइक है, और वो इस बाइक को इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बाइक को अफोर्ड कर सकें और कावासाकी का टैगलाइन ले सकें। दोस्तों इस बाइक की टेस्ट ड्राइव लेते समय काफ़ी सारे लोगों ने स्पॉट किया है, और आपको यहाँ इसकी इमेजेस शो हो रही होगी, जिससे ये पता चलता है कि 2021 के स्टार्टिंग मंथ्स में या फरवरी तक ये बाइक इंडियन मार्केट में कन्फर्म लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों बात करें इसके लुक्स की तो आपको सिंपल सा ही लुक्स देखने को इसमें मिलता है, क्योंकि इसका बॉडी टाइप है क्रूज़र, जैसा कि आपको रॉयल एनफील्ड मिलती है वैसा ही सेम थोड़ा बहुत लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। सामने आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, पीछे आपको बल्ब टेललाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। बात करें सीट कम्फर्ट की तो दोस्तों इसका सीट कम्फर्ट काफ़ी बढ़िया है, यूनिबॉडी सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, तो आप दो लोग आराम से बैठ कर राइड कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको पूरा एनालॉग मिलेगा, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 177 सीसी का सिंगल सिलेंडर FI BS6 इंजन, जिसका मैक्स पावर है 14 bhp और मैक्स टॉर्क है 13 न्यूटन मीटर का। दोस्तों बात करें इसमें आपको कितने नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं, तो इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स 5 मिलेंगे। कॉस्ट कटिंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको कॉस्ट कटिंग शायद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा लुक आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही सेम लुक सेम फीचर्स आपको इंडियन मार्केट वाली KW175 में भी देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा। टायर्स की बात करें तो सामने आपको 80 सेक्शन 100 का टायर मिलेगा और पीछे आपको 100 सेक्शन 90 का टायर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की तो 1,20,000 रुपये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है वो काफ़ी सही है। आपको इतने कम प्राइस में कावासाकी की बाइक मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और दोस्तों इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी बेस्ट इन सेगमेंट रहने वाली है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आती है तो आप इसको लेना पसंद करोगे कि नहीं। पांचवें नंबर पर आती है कावासाकी निंजा ZX250R। दोस्तों इस बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, मतलब 250 cc सेगमेंट में आपको इसका कोई भी कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा 400 cc की बाइक्स को टक्कर देती है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है, जो बाइक को एक शार्प और एग्रेसिव लुक देती है। पीछे आपको LED टेललाइट मिलती है, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का मिलेगा, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 250 cc का 4 सिलेंडर इंजन, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 50 bhp की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 32 न्यूटन मीटर का, और 190 प्लस kmph की टॉप स्पीड आप इस बाइक से गेन कर सकते हो। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, राइडर सीट अच्छी खासी स्पेसफुल है, लेकिन पिलियन सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल रह सकती है। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ये बाइक राइडर्स के लिए परफेक्ट रहेगी, और इसकी प्राइस की बात करें तो 3,40,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, और ये बाइक फॉरेन कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है और धीरे धीरे कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, तो कह सकते हैं कि 2021 के मार्च तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी प्राइस कटिंग देखने को नहीं मिलेगा, जैसा लुक आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे फीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं वही सेम रहने वाला है।
आखिरी छठवें नंबर की बाइक है यामाहा MT-03। दोस्तों इस बाइक का फैन बेस एकदम अलग लेवल पर है, क्योंकि 300 सीसी में आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है। इसका मतलब काफ़ी बढ़िया पावर इस बाइक में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों लुक्स इस बाइक का एक नेकेड सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है। फ्रंट में आपको मॉन्स्टर डिज़ाइन में हेडलैम्प सेटअप मिलता है, कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलते हैं और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 321 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलता है, जिसका मैक्स पावर है 42 BHP और मैक्स टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर का। बाकी दोस्तों MT-03 के आने से बजाज डोमिनार 400 और KTM ड्यूक 390 को MT-03 से काफ़ी तगड़ा मुकाबला करना होगा। बाकी इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ राइडिंग मोड्स भी मिल जाएं। और प्राइस की बात करें तो 2,50,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और जनवरी 2021 के एंड में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और सॉरी दोस्तों, इस बार मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस दे सकूं। और आपको यहां पर मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहां जाके फॉलो करो, मैं अच्छे अच्छे पिक्स डालता रहता हूं। और अगर आपको वहां कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।